शिट कहाँ भाग रही हो? निकल गया निकल गया, साफ एकदम सफा चट हो गया, इतना सफा चट हो गया कि तुम चाट भी सकती हो अभी। सही में चाट भी सकती हो। वेलकम बैक टू माय दुनिया दोस्तों। दोस्तों नया दिन निकल चुका है और मैं टक्कू के साथ घूमने के लिए आ गया हूँ, और मुझे देखते देखते मोटू भी यहाँ पे आ गया है। मोटू की रोज़ सुबह की आदत है, इतने प्यार से आता है और देखो कितने अच्छे से पूछ हिला रहा है। टक्कू भी उसको कुछ नहीं बोलता है और ना वो टक्कू को बोलता है। मैं देखता हूँ एक बार मेरे बैग में कुछ बिस्किट है क्या, मोटू को खिला देता हूँ। रो रहा यार। क्या हुआ मोटू, क्या हुआ प्यार मोटू, क्यों रो रहा है, क्या हुआ? रुक जा मैं देख रहा हूँ, बिस्किट दे देता हूँ इसको पहले। बेचारे मोटू को, बेचारे के लिए कोई भी बिस्किट नहीं मिली, उदास हो गया। उदास नहीं होगा, उतने प्यार से पूछ हिला रहे हैं, लोग मतलब ही थोड़ी होते इंसान जैसे। आ मोटू रुक जा, टक्कू तेरे को क्यों भागना है, चल मोटू रात में मिलते हैं। हाँ जा तू सो जा अपना, सो जा जा, रात में मिलेंगे। मुझे देखता है ना तो बहुत खुश हो जाता है, और उसकी ऐसी आदत है वो जिया के हाथ से बिस्किट नहीं खाता है, वो मेरे ही हाथ से खाता है। पता नहीं उसको मेरे से ऐसा क्या लगाव हो गया है, मुझे देखता है तो रोने लगता है, बहुत प्यारा लगता है मेरे को। यहाँ पे जितने हैं ना उन्हें सबसे प्यारा मेरे को मोटू ही लगता है, पता नहीं कैसे। रोज उसको बिस्किट देता हूँ ना दिन में, आज नहीं दे पाया तो पता नहीं बहुत अजीब सा लग रहा है। बेचारा कैसा प्यार से आया था यार, एक तो बिस्किट दे देता तो क्या हो जाता, लेकिन थी ही नहीं, क्या करूँगा। फिर ना ध्यान से मैं रखा करूँगा अपने बैग में, जैसा रात में रख के लेके आते हैं वैसा दिन में भी रखा करूँगा, और एक तो खिला दिया करूँगा बेचारे को। अरे वो जो बच्चा दिख रहा है ना बल्टी के साथ जो खड़ा हुआ है, वो पाइप के गैप में फंस गया था, वो ऐसा वाला ये जो गैप है ना उसमें फंस गया था। मैंने अचानक से देखा और रो रहा था जोर जोर से, मैंने देखा और जल्दी जल्दी निकालने की कोशिश किया, बड़ा खतरनाक फंसा हुआ था। और अगर ज़्यादा देर तक कोई नहीं आता ना तो उसका दम घुटने लगता वहाँ पे, क्योंकि वो पूरा पैक हो गया था। बड़ी मुश्किल से टक्कू को मैंने ऐसा चप्पल में फंसाया, क्योंकि ये भी तो भागता है ना, ये भी बच्चे से कम बच्चा ही है अभी, ये भी भागता है, कहीं इसको बांधने का दिख नहीं रहा था, इसलिए मैंने इसको पैर में फंसाया और फिर निकाला। अभी क्या यार, हर चीज़ को रिकॉर्ड नहीं कर सकता ना, रिकॉर्ड करने से ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है ऐसी चीज़ों में आप किसी की पहले मदद करें। रिकॉर्ड वगैरह कंटेंट वगैरह तो मिलते रहेंगे यार, थोड़े कम व्यूज हो जाएंगे तो क्या फ़र्क पड़ जाएगा, लेकिन बेचारे की मदद हो गई ना, उसको बड़ी परेशानी हो रही थी, और वो उसकी जो दादी रही होगी बेशक, वो कैसे निकाल पाती, वो ज़्यादा हिचकी लग रही थी। खैर अपना ऐसा सिस्टम है ही नहीं कि कंटेंट के लिए किसी भी सिचुएशन में कैमरे निकाल के खड़े हो जाओ, पहले तो अपना है भाई, प्रॉब्लम चल रही तो प्रॉब्लम को सॉल्व करो, कोई सिचुएशन में हो तो सिचुएशन से बाहर निकलो और फिर रिकॉर्ड करो। शायद इसी रीज़न से तो एक बड़े ब्लॉगर नहीं बन पाए, लेकिन गम नहीं खुशी है कि अपने ईमान को बेच के अपन ब्लॉगर नहीं बनना चाहते एक बड़े। बड़ा छोटा क्या है, ये काम बहुत पसंद है इसलिए कर रहे हैं, आप लोगों को भी देखना अच्छा लगता है। कहाँ से कहाँ पहुँच गया मैं, बाप रे। मैं आप लोगों को एक और कमाल दिखाता हूँ, टक्कू चल इसके पास, टक्कू आ, ये देख ये क्या है बाबू, ये क्या है, टक्कू देख, टक्कू आ, देखे हो किसी कुत्ते को बलून से इतना डरते हुए, ये बहुत ज़्यादा डरता है पता नहीं कैसे। बचपन में ना इसका जब एक बार बर्थडे था ना, पहला बर्थडे ऑफिस हो रहा है, जब इसका पहला बर्थडे था ना तो मैं बलून लेके आया था, बहुत सारे बलून फुलाया था, क्या है ये, अपने बहुत सारे बलून फुलाया हुआ था, तो क्या हुआ कि इसके सामने फूटे हैं लिटरली ज़ोर ज़ोर से, तो डरना शुरू कर दिया। देखो ये ऐसा वाला पाइप था, इसके अंदर वो बच्चा फंस गया था ऐसा, और पैर ऐसे निकल गए थे, पैर यहाँ से निकल गए थे और वो यहाँ पे फंसा हुआ था और वो खींच ही नहीं पा रही थी, और वो हाइट में था पाइप इतना, ऐसा कर्व होके फंस गया था बेचारा, ऐसा कर्व होके निकालना ज़रूरी था उसको, तो पता नहीं कैसे किस्मत में मैं पहुँच गया यार वहाँ पे, नहीं तो लफड़ा हो जाता। हम लोग नीचे आए और चाय मिल गई, कहीं पे भी चढ़ती रहती, अभी यहाँ चढ़ गई थी, फिर कहीं कूद फांद के भाग रही है, इज्जत से नहीं चलती है ना, इसलिए वो कहीं पे भी बंद बुंद होते रहती। क्या रे, क्या सुन रहे, क्या सुना तूने पागल कहीं का, पिटना है तेरे को, बेशरम कहीं का, हाँ डांटी, गंदा गंदा मारूंगी डांटी तो फिर खा लिया, हाँ डांट खा रहा था और एक और खा रहा था, फिर डांट खा रहा था, हाँ इसका बहुत नाटक हो गया, बहुत बिगड़ गया ये देखो, ये आई ये टक्कू के साथ बहुत खेलना चाहती है, लेकिन टक्कू को उसके साथ खेलना ही नहीं है। टक्कू को ना ऐसे बचकान लोग पसंद नहीं आते, फिर मेल रहे या फीमेल रहे, उसको क्या शांत रहने वाले जैसा ये है ना, वैसा शांत रहने वाले इस टाइप के ही लोग पसंद है। ये बाहर शांत रहता है, घर पे तो खतरनाक बन जाता है ये। चल रहे
वो चाय का नाम अपने अभी रानी रख दिए है। हाँ। रानी ना बहुत ज्यादा वैसी है, वो देखो देखो चक्कर मार रही है। हाँ, ओवर फ्रेंडली, अगर कोई इसको पालता ना तो बहुत खेलती, वो बहुत हाँ, खेलती, बहुत अच्छी है, वो बहुत अच्छी है, और शायद बहुत छोटी भी, उसका इतनी खुद ही बच्ची उसका बच्चा हो गया। हाँ, छोटी है, बड़ी नहीं। ये अपना मोटू गुंडू कहाँ है? ये देखो ये फिर है मोटू गुंडू का, ये अभी इसका दिमाग खराब होगा। मलाई का, मलाई बोल रही है मेरे एरिया में आके कुछ ज्यादा ही बन रही है। मोटू गुंडू कहाँ गया? सुबह मिला था, सुबह आया था। मोटू गुंडू को देखते आओ, मोटू मोटू वो चॉकलेट बॉक रही है ना, ये देखो ये उसको सहन नहीं हो रहा है कि मेरी एरिया में आके इतनी मस्ती कैसे कर सकती हो। हाँ, सबके एरिया में चले जाती है, वही तो। मलाई छोड़ दे, बच्ची है वो। अभी टक्कू को बहुत दौड़ाई थी उसने खेलने के लिए। हाँ, और टक्कू काटने से कर रहा था, गुंडा आ गया। हाँ, उतने गुंडा आ गया आवाज सुन के, बोला मेरे एरिया में क्या चल रहा है ये। हाँ। यार यहाँ से चलो नहीं तो भौंक भौंक के पगला डालेगी वो यार। ये कुछ ढूंढने की कोशिश कर रही है नीचे, देखो क्या है। एक मिनट, ये कार है ना, कार के इंजन की तरफ घुसते हैं चूहे। हाँ। तो बहुत ज्यादा पॉसिबिलिटी है, और उसको चूहे से प्यार है, चूहा प्रेमी है वो। चूहा वो घुस गई और ये ढूंढ रहा है, टक्कू ढूंढ रहा है। टक्कू भले ही चिढ़ता है लेकिन कहाँ चली गई सोच रहा है। क्या कर रही है? हाँ, चूहा निकालने के चक्कर में पकड़ तो नहीं ले उसने कहीं, नहीं पकड़ी नहीं। वो शिकार के चक्कर में घूमते दौड़ते रहती है, भागते रहती है पागल जैसे। हाँ, निकल जाएगी वो, खुद निकलेगी, हमने निकालने पे नहीं निकलेगी। हाँ। अभी निकालेंगे ना तो निकल भी जाएगी लेकिन फिर आएगी, फिर घुसेगी, पूरी रात यहाँ पे थोड़ी रह पाएंगे। बाप रे, देखो ट्रैफिक, आज ट्रैफिक देखो, ट्रैफिक जाम है पूरा। उस तरफ वाला देखो, उस तरफ वाला, इस तरफ वाला पूरा खाली, उस तरफ वाला पूरा जाम। रात का टाइम कितना हो रहा है पता है ना? 2 बज रहे हैं। कितनी यूनिक स्कूटी लग रही है, स्क्रीन है डिजिटल स्क्रीन टाइप का, और कहीं पे भी कुछ भी ब्रांडिंग नहीं है, नाम वाम कुछ नहीं दिख रहा है गाड़ी का, सिर्फ नंबर प्लेट है और बाकी पूरी ऐसी। अगर आपको पता है ये कौन सी है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताओ, क्योंकि बहुत प्यारी दिख रही है। तुम्हें चला सकती हो ऐसी वाली? बहुत छोटी, देखो कितनी चला लोगी तुम। हाँ। छोटी सी यार, बहुत अच्छी दिख रही है। इसको चैन नहीं मिलता, इसकी हरकत देखो अभी, कहाँ ऑटो कहाँ जाएगी ऑटो से। टक्कू को टेंशन हो जाएगा, टक्कू की फेवरेट काम मांग रही हो तेरे को पता भी नहीं चला पीला क्या हुआ टक्कू यार, ये रानी के चक्कर में। अरे यार दिमाग खराब मत करोगे, बहुत लग रहा है। पानी लाओ, पानी लाओ, पानी टच करो, कोई फर्क नहीं। वहाँ पे पानी, वहाँ पे पानी, जल्दी चलो पानी। बचपन में ऐसे बहुत करते थे, क्या गिरा इधर से? नहीं, ऊपर से कुछ गिरा, आसमान से कुछ गिरा। ट्रक आ रहा है, ट्रक आ रहा है, साइड हट जाओ। अरे यार ट्रक आ रहा है, अच्छा इधर ही चल रहा, इधर ही चल रहा, आ जाओ। अरे तक आ जाओ, आ जा रानी, रानी ट्रक आ रहा है, जाओ वहां पानी पे चल जा, पानी देखो ट्रक आ रहा है, इसको पकड़ो यार साइड में, ले जाओ पिल्ले को, गिर गिट्टी, उधर ले जाओ, उधर ले जाओ, ट्रक यहाँ पे आएगा, अंदर ले जाओ, यहाँ क्यों खड़ी हो? हे भगवान, इसके चक्कर में हुआ है सब, क्या झंझट हो गई यार। अरे मैं अच्छे से वीडियो बना रहा क्या, जो इसमें था मैं वीडियो बना रहा था मैं अपना बढ़िया से, खतरनाक लगा क्या गिरगिट्टी, क्या गिरगिट्टी, दिमाग खराब मत करो, रुको मेरे को अकेला छोड़ के क्यों भाग रहे हो? टक्कू रुक जा, मेरा बेटा है ना टक्कू, ऐसी बात है ना बाबू, ऐसी बात है, मेरे को भागेगा छोड़ के ना। यहाँ पे पानी है थोड़ा सा, यहाँ पे घिस लेता हूँ। हाँ यहाँ पे ज़्यादा पानी है थोड़ा सा, बहुत गंदा लग रहा है। निकल गया, निकल गया, निकल गया, निकल गया,
साफ एकदम सफा चट हो गया, इतना सफा चट हो गया कि तुम चाट भी सकती हो अभी, सही में चाट भी सकती हो, एकदम सफा से चमकने लगा है, चाट सकती हो, टेस्टी भी बहुत लगेगा। गिर मत जाना उल्टा लात से मारने के चक्कर में। घिनौने आदमी हो तुम, ये तूने गिरवाई, ये तूने गिरवाई, पीली और ऑरेंज कलर की मिक्स काटा तुमने केक। नहीं नहीं, तो मैं बोलता रहा हूँ, इतना साफ हो गया कि तुम मस्त से चाट भी सकती हो। मार दूंगी मैं, झोला से मार दूंगी मैं। हेलो, खैर अभी इस ब्लॉग को यहीं पर ख़त्म करते हैं क्योंकि हम लोग ऊपर जा रहे हैं भाई, बहुत ज़्यादा लेट हो गया है। ऊपर जाके एक छोटा सा एडिटिंग का काम है, कटिंग का। अरे टक्कू खेल रहे हैं। अदरक पे क्या ट्राई इसने वो किया? नहीं नहीं, अदरक पे नहीं, वो अदरक आया ना दौड़ के, हाँ। तो टक्कू को ऐसा लगा मेरे को काटने आ रहा है क्या, जबकि अदरक ना अलग दौड़ के जा रहा था उसको देखने। उसके पीछे क्यों पड़े हो रहे तुम लोग, जिसे चाय को जानते ही नहीं हो। खैर हम लोग इस वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं, इन लोगों को थोड़ा शांत कर दे बेचारी चाय के लिए, क्योंकि बहुत मासूम है। हाँ, नहीं तो फिर वो डर के मारे खुद को कहीं पे पैक कर लेगी और हमको टेंशन हो जाएगी कहाँ चली गई कहाँ चली गई। आप लोग भी इस ब्लॉग को एंड करो, अब तक देखे हो तो लाइक जरूर कर दो, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाके ऑल के ऑप्शन में क्लिक करना, और इंस्टाग्राम के लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स मिल जाएगी, क्लिक करके डायरेक्टली वहां पर भी पहुंच जाना, वहां पर भी जुड़ जाना। हम कल फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय। I wake up to a little bit of drool on my pillow, feel like it's gonna be a bad day. Yeah, I'm tired of shit, and the coffee ain't hit yet. Damn, ain't that great.